नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल। तुम भी चाहो? आज मैं फिल्म, हिंदी फिल्म इनक्रेडिबल इंडिया की शूटिंग करने पालघर डिस्ट्रिक्ट में नियर बाई विरार बंगले में शूटिंग कर रहा हूँ, जो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और इसके डायरेक्टर हैं मिस्टर राज सिंह राजपूत और प्रोड्यूसर हैं उनकी मिसेस। तो सबसे बड़ी खुशी की बात तो है कि मेरे साथ में जो मैडम बैठी हुई हैं वो बहुत बड़ी कलाकार हैं, अच्छी अदाकार हैं। इनका नाम है शोभा सिंह राजपूत। ये बहुत अच्छा किरदार कर रही हैं इस फिल्म में और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। और इनके बगल में है मिस्टर धर्मेंद्र बच्चन, जो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, अच्छे एक्टर हैं, उसमें बहुत अहम किरदार निभा रहे हैं और मैं भी एक अहम किरदार निभा रहा हूँ। कहना चाहिए उस किरदार का नाम है दहशत खान। हैं दहशत खान? नहीं नहीं, उसका नाम है सईद, हाफिज सईद। हाँ हाफिज सईद। हाँ हाफिज सईद, जो पाकिस्तान का जो विलन है वो यहाँ मैं रोल को प्ले कर रहा हूँ। मुझे सौभाग्य मिला है इतना अच्छा रोल करने के लिए और बहुत अच्छा लग रहा है। इस बंगले का नाम है बालंग फार्म हाउस। हाँ बालंग फार्म हाउस। यस। और ये बहुत अच्छा है, बहुत स्पेसियस है, जहाँ पर तमाम सेट लगे हुए हैं। और मेरे साथ में आपस में क्या है, पूजा भी मेरे साथ में, आप कलाकार हैं, ये भी एज एक्टर पूजा जी मेरे साथ में है, ये भी बहुत अच्छी एक्टर है और हमारे बहुत अच्छे रोल कर रहा हूँ। अच्छा, ये अभिनंदन का रोल कर रहा हूँ, जो कि हमारा देश का नाम रोशन किया जिस जवान ने, वो रोल ये कर रहे हैं। और हमारे बहुत अच्छे, बहुत पुराने, बहुत सुलझे हुए डांस मास्टर माननीय श्री हमारे। अच्छा मास्टर जी के साथ मैं और पहले काम कर चुका हूँ। क्या बात है। और मास्टर जी का जवाब नहीं, ये डांस डायरेक्टर के अलावा ये बहुत अच्छे डायरेक्टर भी हैं। क्या बात है। इनके डायरेक्शन मैंने काम किया, ही इज वेरी नाइस एज डायरेक्टर। डांस डायरेक्टर के साथ साथ एज डायरेक्टर बहुत अच्छी है। डायरेक्शन? हाँ, मैंने सहारनपुर में काम किया इनके साथ में कुछ साल पहले, तो नो डाउट इसमें सभी लोग बहुत अच्छे अच्छे हैं। और हमारे डायरेक्टर साहब राज सिंह राजपूत, उनका भी जवाब नहीं, क्या जजमेंट है उनका, क्या सिलेक्शन है, किस तरह से उन्होंने कास्टिंग की है, नए नए लोगों को लिया है और एक से एक बढ़िया कलाकार है, नो डाउट। और प्रोड्यूसर साहिबा तो हमारी बहुत सीधी हैं, वो तो जो है। और हमारे हमारे फिल्म के राइटर मिस्टर अतीक अहमद। हाँ अतीक अहमद साहब बैठे हुए राइटर है हमारी फिल्म के, उन्होंने बहुत अच्छा लगता है फिल्म को। मैं उनको जो है मुबारकबाद दूंगा कि इतनी बढ़िया फिल्म उन्होंने की है। क्या सबसे बड़ी बात क्या है, ये फिल्म मिलिट्री पर बेस कर रही है। गुड गुड, मिलिट्री पर बेस है ये, जो है मिलिट्री के कारनामे इसमें है, देशभक्ति है, देश की बात सोच रहे हैं इसमें। डायरेक्टर ने क्या कंसीव किया है, एक सीन हर सीन में देश की बात है, किसानों की बात है, बहुत कुछ है इस फिल्म में। लास्ट में मेरे ऊपर मत झूल जाना, पूरी जनता जनार्दन से, यहाँ के टेक्नीशियंस और कलाकारों से मैं गुजारिश करूँगा कि वो इस फिल्म को बहुत जल्दी देखें, पर्दे पर सराहें और इसकी पॉपुलरिटी। मैं आऊँगा आपके पास, आऊँगा, प्रमोशन करेंगे इस फिल्म का। बहुत जल्दी बनने वाली है। क्या? पिक्चर जो है स्टार्ट हो गई है 25 मार्च से स्टार्ट हुई है और मेरे हिसाब से मिस्टर राज सिंह राजपूत इसको 10 अप्रैल तक खत्म कर देंगे। उसके बाद में एक्टिंग धर्म सब कुछ होगा तो ये जून जुलाई में पिक्चर जो है रिलीज पर आ जाएगी, ऐसा मेरा यकीन है। और हम सब लोग उनके साथ हैं, तहे दिल से हम उनके साथ हैं, पूरा प्रमोशन करेंगे और हमारा आशीर्वाद है। वो मुझे गुरु मानते हैं और बहुत इज्जत देते हैं मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो मेरे शिष्य भी हैं और मेरे आप डायरेक्टर। मैं आपकी बातों को बीच में काट रहा हूँ। आप एक अकेले उनके गुरु नहीं हैं। हाँ। आपके पता नहीं कितने शिष्य हैं, उन बहुत सारे शिष्यों में कुछ शिष्य यहाँ भी हैं, जिसमें एक शोभा सिंह राजपूत जी हैं। मैं चाहूँगा इनसे आपके बारे में दो टुक कहें। ये भी मुझे शिष्य मेरी शिष्या है, बहुत अच्छे एक्टर हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। और सबसे पहली बात ये सब कुछ इतने अच्छे से वो करते हैं, अभी इनको वैनिटी मॉल वैन मिली हुई है बट उसमें नहीं जा रहे, सबसे मिल रहे हैं, सबसे बातें कर रहे हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा कि इतने बड़े स्टार हैं। शोभा जी मैंने सुना है कि रमेश सर 250 से 300 फिल्में बॉलीवुड की शायद ही कोई हीरोइन हो या हीरो हो जिसके साथ इन्होंने काम नहीं किया, ज्यादातर काम किया। लेकिन ये जहाँ भी जाते हैं कोई फिल्म नहीं कर पाता, ये कि इतने बड़े स्टार हैं या बॉलीवुड एक्टर हैं, तो इस बारे में हमारे धर्मेंद्र बच्चन जी क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इनक्रेडिबल इंडिया फिल्म बन रही है, इसके प्रोड्यूसर हैं रेणुका राजपूत सिंह, डायरेक्ट कर रहे हैं राज राजपूत सिंह जी, और ये बहुत ही अच्छी फिल्म है। और इसमें मैं अभिनंदन का किरदार निभा रहा हूँ। और सॉरी, अभिनव का मैं किरदार निभा रहा हूँ, काल्पनिक किरदार, पृथ्वी सिंह। ओके ओके, अभी नाम सर चेंज हो गया है, पृथ्वी सिंह का किरदार निभा रहा हूँ मैं। और मैंने एक डायलॉग लिखा है कि सीने में जुनून रखता हूँ, आंखों में देशभक्ति का चमक रखता हूँ, बाकी डायलॉग्स बाद में। सर हमारे फिल्म सर वन मी डिस्टर्ब भैंस अंग्रेजी में नहीं जानता हूँ, लेकिन इस फिल्म के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? फिल्म के बारे में मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, क्योंकि मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है जी। बट रात को जो मैंने एक सीन देखा जो पूजा कर रही थी एक्टर क्या, तो उनका जो एक्ट था ये वन टेक बहुत अच्छा कर रही थी, क्या कमाल की शॉट थी, क्या तो आपका आशीर्वाद इनके ऊपर है? तो अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी है, आशीर्वाद तो हमेशा सबके साथ। वेरी गुड, वेरी गुड। और इस फिल्म के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बस मैं इसे एज ए कोरियोग्राफर कर रहा हूँ। रात को आइटम काउंट सर, हमने सुना है कि आप काफ़ी सालों से बॉलीवुड में डांस मास्टर के तौर पे काम कर रहे हैं, और बहुत सारी अच्छी फिल्मों में, जिसमें हिट भी है फ्लॉप भी है, बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन आपने जो भी सॉन्ग किया है वो सारे बहुत नंबर वन गए हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कोशिश यही रहती है कि अच्छे गाने शूट करें, अच्छी फिल्म हो, अच्छे सॉन्ग हो, अच्छी स्क्रिप्ट हो, अच्छे हीरो हो, अच्छे हमारे साथ जो एक्टर होते हैं वो बढ़िया कमाल के डांसर हो, तो गाने में चार चांद लगता है। यानी आपका मकसद ये है कि फिल्म चाहे जैसी हो लेकिन आपका काम 100 हो? हाँ, बस 100 क्या, 1001% फेवर। वाह, क्या बात। और जो ये कैमरा चला रहे हैं मेरे दोस्त जी, बड़े पुराने मित्र हैं जी, नाम थोड़ा सा गफलत से जी, देवेंद्र दीक्षित, देवेंद्र दीक्षित जी, ये भी बहुत कमाल के एक्टर हैं। वाह, और काफ़ी सालों का हमारा रिश्ता है जी। बट अभी थोड़ी देर पहले रमेश जी ने बोला कि मैं एज एन एक्टर क्लिप किया था, तो मेरे भाई का एक्टिट्यूड चेंज हो गया था, बट उसमें मेरी थोड़ी सी मजबूरियाँ थी जो मैं भाई को बुलाया नहीं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, फिल्म में अगर मैं कर रहा हूँ मेरा भाई जरूर होगा। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी इस फिल्म इनक्रेडिबल इंडिया के बारे में? मैं, ये मेरा फर्स्ट मूवी है, तो मुझे इसमें काम करके बहुत अच्छा लग रहा है, जो मेरा इसमें पूजा का जी बहुत पसंद आया है जी। सर बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, क्या बात है। आप रमेश सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? रमेश जी सर, ये बहुत अच्छे इंसान है, मैं इनसे पहली बार मिली, मुझे इनसे बात करके बहुत अच्छा। डीओपी हूँ, कोई ऐरा गहरा नहीं, कंटिन्यू। मुझे सुनने में आया है कि रमेश सर से जो भी एक बार मिलता है वो इनका कायल हो जाता है, यानी जो दीवाना होते हैं, दीवाने उनको बोलते हैं, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इनका एक्टिंग जब देखा जी, मुझे बहुत पसंद आया। और रियली रियल लाइफ में और रियल लाइफ में कैसे हैं? ये बहुत अच्छे हैं, रियल लाइफ में भी अच्छे, रियल लाइफ में भी बहुत अच्छे, क्या बात, हमेशा कैरेक्टर में रहते, कभी अपना कैरेक्टर नहीं छोड़ते, क्या बात है। आप बहुत ही सुलझे हुए बॉलीवुड के पुराने डांस मास्टर, हमारे बहुत प्रिय गुरु भी कह सकता हूँ, मित्र भी कह सकता हूँ, इनके बारे में दो टुक क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं अभी अभी इनसे बात की है मैंने, तो अभी अभी बात करके मुझे अच्छा लग रहा है इनसे। मैं जब वहाँ से आ रही थी तब मैंने देखा, सोचा इनसे बात करती, जब मुझे पता चला ये डांस वगैरह आइटम सॉन्ग करवा रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ी बातें शादी कर लेते इनसे। बहुत अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। और अब आते हैं हम श्री रमेश गोयल जी के पास। रमेश गोयल, यस सर, देश के प्रति आपकी क्या नज़रिया है इस फिल्म को लेके? फिल्म जो है बहुत अच्छी है, जब
मिलिट्री बेस्ड फिल्में तो निश्चित रूप से पब्लिक को पसंद आएगी और बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि आज जो माहौल चल रहा है वो देशभक्ति का माहौल चल रहा है और उसी माहौल में पिक्चर कम्प्लीट हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। हालांकि बहुत कुछ अभी करना है इस फिल्म में, लेकिन वो अच्छा ही होगा मेरे हिसाब से। और चूंकि मेरा तो इसमें किरदार बहुत अच्छा है, मैं तो बहुत खुश हूँ। आज मैं समझो कि शूटिंग करूँगा, बहुत अच्छा लगेगा। मेरे साथ में कितने कलाकार हैं, कम से कम 50 से लेकर 60 कलाकार मेरे साथ काम करेंगे, कितना अच्छी बात है, मज़ा आएगा। और सभी एक से एक बढ़िया कलाकार हैं, नए कलाकार हैं। जैसा कि मैंने सुना है, ये फिल्म के जो डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैं राज सिंह राजपूत जी, पर्सनली मैंने उनसे सुना है वो आपकी बहुत तारीफ करते हैं, इसका क्या रीज़न है, क्या आपने उनको दे दिया ऐसा जो इतने एक्टर होने के बावजूद वो पर्सनली आपकी बहुत तारीफ करते हैं? वो ये बोलते हैं कि आपसे आप बहुत सिंपल हैं, बहुत साधारण तरीके से रहते हैं, और आपने योग ले रखा है, आपने 3.5 साल से खाना ही नहीं खाया है, नो लंच नो डिनर नो ब्रेकफास्ट, तो ये एक लाइन में रह के इस तरह का योग लेना हर एक के बस की बात नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने मुझे कहना चाहिए ज़्यादा अप्रिशिएट करना शुरू किया, उनको पसंद आया मैं। कहा जाता है सर कि बॉलीवुड एक रंगीन दुनिया है, इसको माया नगरी बोला जाता है। यहाँ आ करके कोई आप जैसा बन के काम नहीं कर सकता, और सही बात तो ये है कि यहाँ आ ही नहीं सकता, पर आप इतने सुलझे हुए पुराने होते हुए भी आप इतने दिनों से इस वेशभूषा इस रहन सहन इस खान पान को कैसे मेंटेन कर पाते हैं? इसलिए कि मैंने योग ले रखा है, मैं कोई भी गलत काम करना नहीं चाहता। अभी मैं 19 मार्च से लेके और 23 मार्च तक मैं बैंकॉक में था, पटाया में, वहाँ पर तो बहुत रंगीनियाँ हैं। अरे बाबा, लेकिन मैंने सबको अवॉइड किया और अपने ध्यान में रहा, मस्त रहा, मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया जिससे मुझे अपनी ज़िंदगी में पश्चाताप है कि मैंने अपना योग तोड़ दिया, योग के खिलाफ गया, ऐसा कुछ नहीं। सब लोगों ने मुझसे कहा कि पटाया आता है वो एंजॉय करता ही करता है, लेकिन मैंने कोई एंजॉय नहीं किया, मैं एक अपने दिल से बोल रहा हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मुझ में इतना कंट्रोल है कि मैं किसी भी परिस्थिति में कोई गलत काम करना तैयार नहीं हूँ। यही बात जो है राज सिंह ठाकुर को पसंद आती है। सर आपके एक बहुत चाहने वाले सर के पास आते हैं, कोई हाथ ही लगाने नहीं दिया किसी को, हाथ नहीं लगाया बॉडी से, जबकि वहाँ प्रचलन है जो आदमी पटाया जाता है वो पटाके आता है, वो पटाके आता है। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया और पूरी यूनिट गवाए, पूरी यूनिट ने मुझे कहा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, क्यों अपने शरीर पर आप जाति कर रहे हैं। मैंने मेरा ये उसूल है, मन को शांत और शरीर को अशांत रखिए। यहाँ पर लोग शरीर को शांत करने आते हैं और मन को अशांत करते हैं, तो मेरे प्रिंसिपल के खिलाफ है। मेरा प्रिंसिपल है कि मन को शांत और शरीर को अशांत रखिए, तो यहाँ पर अगर मालिश करवाऊंगा तो शरीर मेरा शांत हो जाएगा। तो जो चीज़ मेरे खिलाफ है मुझे नहीं करनी है, तो मैंने नहीं किया और मैं आज बॉम्बे में शूटिंग कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच।